हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है रानी चींटी। तो फिर फ्रेंड्स, सुनाना शुरू करती हूँ। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक कर सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा ही देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आ जाया करो, हमेशा ही देर से आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आप देखा ना ताव बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कन खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दिन दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कान खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर ने कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वह शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कान खजूरे को आवाज़ दी, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कान को जुड़े और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे इस कहानी का एक सवाल पूछूं, आप बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। आप इस कहानी का आंसर चैट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम अगले वीडियो में मैं आपको इस कहानी का शिक्षा का आंसर बता दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।